प्रमुख टेक विजन में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाइल लूप इन सी लैंग्वेज। तो गाइस, सबसे पहले तो इस पूरे टॉपिक को हम कहते हैं द लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। और लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंडर में तीन टॉपिक्स आते हैं, उसमें से एक है व्हाइल लूप, दूसरा है डू व्हाइल लूप और तीसरा है फॉर लूप। ये तीनों टॉपिक हम एक एक वीडियो में सेपरेट करके पढ़ेंगे, जिससे हम डिटेल में इसके बारे में बात कर सकें। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है द व्हाइल लूप। तो यहाँ पर हम देखें, द व्हाइल लूप इज़ यूज्ड इन प्रोग्रामिंग दैट यू वांट टू रन नंबर ऑफ टाइम्स। तो सबसे पहले तो हम व्हाइल लूप का सेंटेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाइल ब्रैकेट में एक्सप्रेशन और उसके बाद में हम रन करेंगे स्टेटमेंट को। इसका मतलब ऐसा है कि व्हाइल के बाद जो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि काउंट लेस देन इक्वल्स टू 3 आपने लिखा और आप कैलकुलेट कर रहे हो एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम, तो आपको अगर बार बार रन ना करना हो और 3 बार रन करना हो आपको स्पेसिफिक, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि काउंट लेस देन इक्वल्स टू 3, तो फिर वो प्रोग्राम 3 बार रन होने के बाद ही टर्मिनेट होगा। इसके बारे में हम एग्जाम्पल से ही ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हेडर फाइल्स डिफाइन कर दी। 3 हेडर फाइल्स हमने डिफाइन की है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और कंसोल इनपुट आउटपुट। उसके बाद हमने मेन को डिफाइन किया है, यहाँ पर हमने इंटीजर मेन लिया है। उसके बाद में ब्रैकेट्स और रिटर्न 0 यहाँ पर हमने पहले से लिख दिया है। अब ये प्रोग्राम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का तो हमने पहले भी एक प्रोग्राम लिखा था, जो आपको प्रमुख टेकविजन चैनल पर मिल जाएगा। देखिए, ये रहा हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट इन सी लैंग्वेज। पर ये प्रोग्राम किसके बारे में था कि हम सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, दूसरी बार अगर आपको वैल्यूज चेंज करके सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो आपको पूरा प्रोग्राम फिर से रन करना पड़ेगा। और आज के इस प्रोग्राम में हम सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अलग तरीके से। यहाँ पर आपको प्रोग्राम बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपकी मर्जी हो तब तक आप प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिख देते हैं। एक लेते हैं हम इंट पी, फिर एन और काउंट ले लेते हैं। अब पी और एन तो वेरिएबल्स है, तो फिर ये काउंट हमने क्यों लिया, ये आपको मैं आगे प्रोग्राम में समझाने ही वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि आप प्रोग्राम को कितनी बार रन कराना चाहते हैं, उसके लिए हमने काउंट को पहले से एक बार इंटीजर में डिफाइन कर दिया है। उसके बाद हम ले लेते हैं फ्लोट। तो हम यहाँ पर फ्लोट में लेते हैं आर और एसआई। हम एसआई तो आप समझ गए होंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ काउंट इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए, यहाँ पर काउंट आ गया है जो हमने इंटीजर में यहाँ पर डिफाइन किया है। अब ये काउंट हमने इज इक्वल्स टू 1 इसलिए किया क्योंकि आप प्रोग्राम को जब रन कराओगे तब आपको प्रोग्राम कितनी बार रन कराना है, उसके लिए हमने यहाँ पर काउंट इज इक्वल्स टू 1 कर दिया है। मतलब कि आपका प्रोग्राम एक बार तो रन कम से कम होने ही वाला है, उसके बाद वो आप पे जाता है कि आपको कितनी बार उसे रन कराना है। तो इसके बाद हम जब लिखेंगे कि व्हाइल उसके बाद ब्रैकेट में काउंट लेस देन इक्वल्स टू 3, मतलब कि वो प्रोग्राम 3 बार रन कराएगा। लेकिन काउंट इज इक्वल्स टू 1 हमें डिफाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एरर्स की वजह से गार्बेज वैल्यू भी इनपुट हो जाती है। तो हमने यहाँ पर काउंट इज इक्वल्स टू 1 लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे व्हाइल, मतलब कि अब व्हाइल लूप की बारी है। तो व्हाइल लूप में हम लिखेंगे यहाँ पर काउंट लेस देन इक्वल्स टू 3। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि काउंट इज इक्वल्स टू 1 हमने यहाँ पर पहले से ऊपर डिफाइन किया है, तो काउंट की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट नहीं होगी। और इसका रीज़न भी मैंने आपको पहले बता दिया। तो अब यहाँ पर क्या है, काउंट लेस देन इक्वल्स टू 3 है, मतलब कि प्रोग्राम एक बार रन होगा तो फिर 1 काउंट, दूसरी बार रन होगा तो 2 काउंट और तीसरी बार रन होगा तो 3 काउंट कंप्लीट हो गए। उसके आगे प्रोग्राम रन नहीं करेगा, प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। इसलिए हमें यहाँ पर लिखा है काउंट लेस देन इक्वल्स टू 3, मतलब कि 3 या 3 से कम। यहाँ पर अगर आप 5 कर दो तो प्रोग्राम 5 बार रन होगा, 10 करो तो प्रोग्राम 10 बार रन होगा। फिलहाल हम 3 के लिए देखते हैं, उसके बाद हम आगे दूसरी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब स्टेटमेंट की बारी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे और हम प्रिंट कराते हैं कि प्रिंट एफ एंटर वैल्यूज ऑफ पी एन एंड आर स्लैश एन। उसके बाद हमारा काम है कि इसे हम स्कैन करा दे। तो स्कैन एफ, हमारी पहली दो वैल्यूज जो है वो इंटीजर में है, पी और एन हमने यहाँ पर इंटीजर में ली है,
और जो हमारा आर है वो फ्लोट में है, तो फिर हम पहले दो के लिए लेंगे यहाँ पर परसेंटेज डी और तीसरे के लिए हम लेंगे यहाँ पर परसेंटेज एफ। उसके बाद हम उसे स्टोर कहाँ करेंगे उसका एड्रेस हम दे देते हैं, तो एन परसेंट पी कॉमा एन परसेंट एन और कॉमा एन परसेंट आर। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि इंटीजर के अंदर दो वैल्यू स्टोर होगी पी और एन, और फ्लोट के अंदर एक वैल्यू स्टोर होगी आर। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप मैथ्स में पढ़ लिया होगा आपने, जो होता है पी आर एन अपॉन 100। तो हम यहाँ पर भी वही लेंगे पी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। तो अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने लिख दिया, अभी भी हम लूप के अंदर ही है, हमने लूप को एग्जिट नहीं किया है। तो हम दूसरी बार यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं कि प्रिंट एफ स्लैश एन सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज परसेंटेज एफ। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमने ऊपर फ्लोट में लिया था, तो यहाँ पर हमने परसेंटेज एफ लिखा है, और यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे एस आई कॉमा करके और सेमी कॉलन। अभी भी हम लूप को एग्जिट नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे अब कि काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस वन? उसका सिंपल मतलब ऐसा है कि ये काउंट इज इक्वल्स टू वन जो ऊपर हमने डिफाइन किया है वो वन यहाँ पर आएगा। अब वो वन लेस देन थ्री है, तो फिर ये पूरा का पूरा जो लूप है हमारा, ये पूरा वाइल लूप एक बार रन होगा। उसके बाद काउंट यहाँ पर प्लस वन होगा, मतलब कि काउंट इज इक्वल्स टू टू होगा। अब काउंट इज इक्वल्स टू टू भी हमारी कंडीशन ट्रू है क्योंकि काउंट लेस देन इक्वल्स टू थ्री है, तो काउंट तीन से कम है, तो ये वापस से हमारा पूरा का पूरा लूप दूसरी बार रन हुआ। अब वापस से काउंट प्लस वन होगा, मतलब कि टू प्लस वन थ्री। अब वो थ्री वापस ऊपर जाएगा और वापस से ये कंडीशन चेक करेगा कि वाइल काउंट लेस देन इक्वल्स टू थ्री, तो हाँ काउंट इज इक्वल्स टू थ्री हो चुका है, तो वापस से ये पूरा का पूरा लूप हमारा रन होगा। तो कुल मिला के तीन बार हमारा लूप रन हुआ है। फिर वो वापस से नीचे आएगा और यहाँ पर चेक करेगा काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, मतलब थ्री प्लस वन हुआ तो फोर होगा, और जब यहाँ पर वो कंडीशन चेक करेगा तब फोर इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू थ्री, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब इसके बाद लूप रन नहीं होगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो फाइनली जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे और उसके साथ ही हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो गया। तो अब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं और हमने कंडीशन दी है कि काउंट लेस देन इक्वल्स टू थ्री, मतलब हमारा ये वाला प्रोग्राम तीन बार रन होने के बाद ही टर्मिनेट होना चाहिए। तो हम तीन वैल्यूज दे देते हैं पी एन और आर की। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं 50 प्लस 80 और 70। एक बार प्रोग्राम रन हुआ, सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 2800। दूसरी बार हम करते हैं यहाँ पर 90 70 और 100। दूसरी बार हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट इज 6300, और तीसरी बार और ये आखिरी बार होगा हमारा 100 प्लस 80 प्लस 50। तो अब देखिए यहाँ पर तीसरी बार भी आ गया है सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 4000, और यहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है। अब मैं यहाँ पर एंटर दबाऊंगा तो डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा। तो हमने देखा कि वाइल लूप से हम प्रोग्राम को जितनी बार चाहे उतनी बार रन करा सकते हैं, और कंडीशंस उसकी जिस तरह से दे उस तरफ से वो रन करेगा और बाद में टर्मिनेट करेगा। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब वापस से मैं प्रोग्राम को अगर रन कराऊंगा तो तीन बार के बदले मुझे 5 बार वैल्यूज डालनी होगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट लिख देता हूँ सब, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और दो बार बाकी है, चौथी बार, और ये लास्ट 5 बार। और देखिए यहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया हमारा। मतलब वाइल लूप की वजह से हम हमारा काम बहुत ही इजी कर सकते हैं, हम प्रोग्राम को चाहे उतनी बार रन करा के टर्मिनेट कर सकते हैं। अब अगले वीडियोस हमारे होंगे वो वाइल लूप के प्रोग्राम्स पर होंगे, मतलब कि वाइल लूप्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स आगे आने वाले। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल का प्रोग्राम था। तो अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारी रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे।
वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।